नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका N1 लाइव पर। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हाईकोर्ट ने VIP कल्चर पर की है कड़ी टिप्पणी। न्यायाधीश ने सरकारी गाड़ियों में VIP नंबर लगाने पर मुख्य सचिव से किया है जवाब तलब। अदालत ने पूछे हैं सवाल कि आम लोगों के टैक्स के पैसों से अधिकारियों का VIP नंबर खरीदने का क्या है औचित्य। अदालत ने यह जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर तक की है तलब। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों को मिलेंगे 9500 रुपए प्रतिमाह वेतन। जिला स्तर पर की जाएगी शिक्षकों की भर्ती। आउटसोर्स आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने के लिए चुनाव आयोग से मांगी गई है अनुमति। संभावित है कि मतगणना के बाद हिमाचल प्रदेश में शुरू होगी शिक्षकों की भर्ती। JEE और NEET की निशुल्क कोचिंग के लिए शनिवार को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होगी प्रवेश परीक्षा। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों परीक्षा देने के लिए होंगे पात्र। स्कूलों में गूगल फॉर्म के माध्यम से ली जाएगी 2 घंटे की ऑनलाइन परीक्षा। परीक्षा देने के लिए विद्यार्थियों को करवाना होगा पंजीकरण। देश में कोरोना की वैक्सीन के 2 सैंपल हो गए हैं फेल। CDL कसौली ने वैक्सीन के संबंधित बैच बाजार में उतारने पर लगा दी है रोक। CDL कसौली में जांच के दौरान मानकों पर खरे नहीं उतरे वैक्सीन के सैंपल। सैंपल फेल होने पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को भेज दी गई इसकी रिपोर्ट। कंपनी को वैक्सीन के सैंपल फेल होने के बाद नोटिस जारी कर मांगी गई है पूरी रिपोर्ट। अब तक देश में कोरोना वैक्सीन के 5 सैंपल हो चुके हैं फेल। नगर परिषद हमीरपुर ने अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए बाजार में 9 दुकानदारों का सामान किया जब्त। नगर परिषद की ओर से एक दिन पूर्व बाजार का औचक निरीक्षण करके सभी दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की दी गई हिदायत, लेकिन दुकानदारों ने मनमानी के चलते सड़क से नहीं हटाया अतिक्रमण। इस पर नगर परिषद के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए इन दुकानदारों का सामान कर लिया जब्त। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से इस वर्ष जिला में स्थापित किए गए 3 धान केंद्रों में अब तक 25,650 क्विंटल खरीदा गया धान। जिले के 964 किसानों से फसल खरीदने के बाद उनके बैंक खातों में 5.28 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। इसमें सबसे अधिक पौंटासाही धान खरीद केंद्र में 17,228 क्विंटल, धौलकुआ में 6,946 क्विंटल और काला अम्ब में 1,476 क्विंटल धान की फसल की हुई खरीद। नाहन जिला मुख्यालय के रानीताल क्षेत्र में खोले गए बिजली बिल भुगतान केंद्रों पर लटक गए ताले, लिहाजा बिजली बिल का भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा है काफी दिक्कतों का सामना। अब शहर के उपभोक्ताओं को अन्य 2 केंद्रों पर जाकर लंबी कतारों में बिलों का भुगतान करना बन गई है उनकी मजबूरी। प्रदेश में खत्म हो चुका है सेब का सीजन। इसके चलते प्रदेश की सबसे पुरानी सेब मंडी परवाणु में पसर गया सन्नाटा। ज्यादातर कारोबारी भी कर चुके हैं यहां से पलायन। इस बार परवाणु सेब मंडी में बीते साल के मुकाबले पहुंची 6 लाख सेब की अधिक पेटियां। कारोबारियों के अनुसार इस साल सेब की बंपर फसल होने के कारण परवाणु पहुंची सबसे अधिक पेटियां। देश की राजधानी दिल्ली से लापता हुई एक युवती को पुलिस ने मनाली से किया है बरामद। पिछले 1 महीने से लापता चल रही थी यह युवती। आखिरकार दिल्ली से कैसे लापता हुई थी और यहां कैसे पहुंची, इन सब बातों को लेकर छानबीन करने में जुटी हुई है पुलिस। युवती को उसके मोबाइल की लोकेशन के आधार पर किया गया तलाश। कल से करवट बदल रहा है हिमाचल प्रदेश का मौसम। ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बारिश और बर्फबारी की है संभावना। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश और ताजा हिमपात होने का जारी किया है पूर्वानुमान। इसमें लोगों और सैलानियों को यहां पर पड़ रही सूखी ठंड से मिलेगी राहत। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए N1 लाइव।